और प्रियू एक नई चैलेंज के साथ वापस आ चुके हैं। और ये जो चैलेंज है वो प्रियू की काफी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। मेरी तो भाई हर चीज फेवरेट होती है, बट लड़कियों के लिए सबसे मनपसंद चीज बस दो ही होती है, एक तो पानी पूरी और दूसरा तो मोमोज। और उसमें से आज हम जो दूसरे नंबर की जो चीज है मोमोज, आज हम उसकी चैलेंज कर रहे हैं। वैसे हमने नॉर्मल फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, उसकी तो हमने चैलेंज कर ली। बिगेस्ट मोमोज भी किए हमने। हाँ, बिगेस्ट मोमोज जो बॉइल्ड थे वो भी हमने चैलेंज कर ली। बट आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेवी मोमोज फीटिंग चैलेंज। बट ये जो ग्रेवी मोमोज है वो भी मम्मी हमारे घर पर ही बनाने वाली है। और दूसरी बात, वो जो मोमोज होंगे वो फ्राइड होंगे, यानी कि क्रंची होंगे। क्रंची होंगे तो ग्रेवी आएगी तो उसपे काफी ज्यादा यम्मी लगेगा। और गाइज, आपने हमारे पहले के मोमोज के वीडियो नहीं देखे हैं, मोमोज या फिर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो जल्दी से जाओ और देखो। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और गाइज, मेरी सेकंड चैनल है बीजे द व्लॉगर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं व्लॉग्स रखता हूँ। यस, और गाइज अभी हमने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले विजय द ब्लॉगर का व्लॉग शूट किया था, उसमें बहुत मजा आया था। मतलब चैलेंज स्टार्ट करने के पहले ही हमने ये बोला था, तो आप लोग वो ब्लॉग भी जाके देख लो। तो चलो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं मेन आज की चैलेंज की तरफ और आपको दिखा दे कि मम्मी ने ये जो ग्रेवी मोमोज है वो किस तरीके से प्रिपेयर की है। सो लेट्स गो। गाइस, मैं और प्रियू आ चुके हैं हमारे टोटल 50 ग्रेवी मोमोज के साथ। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो 50 मोमोज है उसमें से 25 मोमोज डिवाइड हो चुके हैं, 25-25। सो ये देखो, बट आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतनी सी प्लेट में 25 मोमोज आ भी गए। और आप मोमोज की साइज देखो भाई, मोमोज की इतनी साइज है, ऊपर से उसकी ग्रेवी भी है। बट ये जो हमारी प्लेट है ना वो एकदम बढ़िया है। yes. वो 5-स्टार रेस्टोरेंट में जैसी प्लेट्स आती है ना, वैसी हमारी है। मैंने सोचा चलो 5-स्टार होटल वाली फीलिंग लेते हैं। यस, और गाइस आज हम नॉर्मल स्पून से नहीं खाने वाले, आज हम खाने वाले ये चॉपस्टिक्स है। और ये चॉपस्टिक मम्मी नहीं लेकर आई है। yes. हमारे पास जो पुरानी चॉपस्टिक थी वो थोड़ी स्क्वायर टाइप की थी। हाँ, तो उससे आसानी से ग्रिप आ जाती। हाँ, बट ये बहुत ही हार्ड है क्योंकि ये टोटली स्टील की है। और इसके ऊपर जो आर्ट किया है भाई वो भी बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि चाइना से इम्पोर्ट किया है। गाइस, इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है। वैसे भी मैं मोमोज लवर हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, सारे मोमोज मुझे बहुत पसंद है। सो चलो अभी हम ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 3-2-1 स्टार्ट। सबसे बड़ा टास्क अभी यही है कि इसको खाना है। लिटरली मैं गाइस सुपर से ऊपर वाले ये मोमोज है। सो ये मोमोज देखो, और ये मोमोज मम्मी ने अलग शेप में बनाए हैं। ये देखो, ये जो ताज आता है ना, और गाइस इसके अंदर जो स्टफिंग है ना वो आज मम्मी ने एकदम नया स्टफिंग ऐड किया है, क्योंकि हम लोग हर बार चाइनीज वाला स्टफिंग लेते हैं, इस बार हमने पता है कौन सा लिया है, नॉर्मल कैबेज वाला स्टफिंग। सच में क्या बताऊं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक मोमो तूने खा लिया है। गाइस
हम ये मोमोज तो भाई चॉपस्टिक से खा लेंगे, बट उसके बाद मेन हमें ये जो ग्रेवी है इसकी, वो हमें अलग से हाथ से ही खानी पड़ेगी। ऐसा हाथ से खाने के भी मजे अलग ही है। वैसे भी तुझे पता है, एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद को स्पून से खाने के लिए कहा था, तब स्वामी विवेकानंद जी का जो आंसर था वो ये कैसे, एक छोटी सी स्टोरी आप सुनो, आपको अच्छी लगेगी। 2-3 मिनट बस आपको मुझे झेलना होगा। नहीं, इसमें क्या था, एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए थे और तब वो वहां पर खाना खा रहे थे, तो एक अंग्रेज उनके बाजू में आकर बैठा और उसने कहा कि आप ही अपने हाथ से क्यों खा रहे हो, स्पून से खाओ, आपके अंदर मैनर्स नहीं है। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने पता है क्या बोला, ये जो स्पून है वो दिन में कई लोग खाते हैं और वही स्पून से मैं खा रहा हूँ, भले ही वो धुल के आई है, बट पहले तो किसी ने उसको यूज किया ही है, और किसी का जूठा मैं ना खाकर मैं अपने हाथ से खाता हूँ, मेरे हाथ से तो मैं खुद ही खाता हूँ। मतलब ये आप इसका डीप मीनिंग समझो, ऐसे महारथी बस हमारे इंडिया में ही हो सकते हैं। तूने सारे मोमोज कंप्लीट कर लिए, बस ये ग्रेवी के लिए ही रह गए। गाइस लिटरली मैं काफी ज्यादा मजा आ गया, फिर रहने जब भी हारी ये खाके क्या करेगी, मेरा तो पेट भी नहीं भरा। मानस है क्या, मतलब इंसान है क्या है, मानस बुरा नहीं होता। हाँ मानस नहीं, वो भी मानस होता है, मानस नहीं होता है। तो कोई नहीं गाइस, चलो अभी मैं तो ये चैलेंज जीत चुका हूँ हर बार की तरह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, ये चैलेंज आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसा मत सोचो कि हम लोग पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं पनिशमेंट, पर मेरे मुझे गलती से निकल गया, मैंने बोला छोड़ो चलो अभी फ्लो फ्लो में निकल गया तो बोल ही देता हूँ। तो चलो गाइस अभी हम लोग देते हैं व्यू को जल्दी से बढ़िया वाली पनिशमेंट। गाइस आज के चैलेंज हमारी बहना हार चुकी है, और प्रियु तेरे ऐसे रूखे फूके नाखून देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज की जो पनिशमेंट है उसके अंदर मैं तुझे नेल पेंट लगाने वाला हूँ। आता है तुझे नेल पेंट लगाना? मैं मेरी ट्रेनिंग है नेल पेंट लगाने की। ओहो, अरे ऐसा नहीं है, मतलब मुझे आता है नेल पेंट लगाना, ऐसा मैं खुद नहीं लगाता हूँ। अच्छा, मुझे सिलेक्शन करना है कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। तुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सब कुछ मुझे ही सिलेक्ट करना है, मुझे अपनी पसंद से तुझे नेल पेंट करनी है। ओएमजी, मतलब एक ही हाथ में करना प्लीज, और अच्छे से। और देख, वो मेरी मर्जी है, मैं तेरे नेल पे नेल पेंट करूँ या फिर तेरे उंगली पे पेंट करूँ या फिर तेरे गालों पे या फिर हाथ पे, आई डोंट नो। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। इसमें तेरे कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। नहीं बस भाई मेरे नेल्स है, यानी क्योंकि स्कूल में अलाउड है ही नहीं हमारे नेल्स। नेल्स अलाउड नहीं है? नहीं, नेल पेंट नहीं, नेल्स बड़े नेल्स अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। अभी क्या खत्म, अभी 10th आ चुका है, अब खत्म, अभी सीनियर हो चुके आप लोग। मैं मॉनिटर हूं, मैं ऐसा करूंगी तो सारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। So guys, देखो मेरे पास टोटल इतने सारे कलर्स है, और यहाँ पर मेरे पास काफी अच्छा एडवांटेज है। मैं 2 कलर मिक्स करके 3rd कलर बना सकता हूँ, 3 कलर मिक्स करके 4th कलर बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और गाइज, भाई बोला तो 2 कलर मिक्स करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ये भाई बोला ना, उसके ऊपर से मुझे एक बात याद आई तेरी।
जब वो छोटा था तो जब प्राइमरी में था वो तब ड्राइंग की क्लास में अरे वो सब बताना जरूरी नहीं होता है दियू हर एक बार कलर के ऊपर दूसरा कलर दूसरे कलर के ऊपर तीसरा पूरा पेज फट जाता था मतलब आप सोचो और पेज तो छोड़ो जिस साइड से फट जाता था उसके दूसरी साइड वो इतनी बड़ी लेयर हो जाती थी इतना पतला पेपर होता था हमारा ड्रॉइंग पेपर और इतना मोटा हो जाता था ड्रॉइंग पेपर वैसे थोड़ा कड़क होता है हार्ड होता है थोड़ा जो नॉर्मल पेज होता है उसे चलो अभी रेडी पहले ही ऑरेंज कलर भगवा कलर है चीवी बोलना मत अच्छे से थोड़ा सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे करें ऐसे करेगा तो नहीं मुझे सब कुछ आता है मैंने कहा था ना मुझे ट्रेनिंग है मेरे पास वो तो पता है मुझे ऐसे नेल पेंट किसने की थी ऐसे नेल पेंट आती है मुझे अपनी तरीके से करनी है ये ऐसे वोट कर वोट मतलब वोट करके आई हूँ ऐसा लग रहा है वोट ऐसे नहीं होता है वो नेलपेंट की कोई नहीं तुझे ही साफ करना है भाई ये कुछ भी लगा रहा है माय गॉड आगे की दो बिल्डिंग हिल गए अपनी जगह से वाव कितना अच्छा कलर किया है बता अभी चलो हो गया अब क्या सारी उंगली में थोड़ी करना होता है अशोक चक्र आता है बीच में अशोक चक्र आता है क्या अशोक चक्र आता है एकदम लाइट कर दे एकदम लाइट अरे हाथ हटा हो गया वाह बहुत ही अच्छा लगा आता है बन जाता है मैंने बोला था ना मैंने ट्रेनिंग लेकर रखी है चल अभी दूसरी उंगली ला गाइस सच में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है ना मैं आपको साइड में फोटो दिखा दूंगा आप लोग देख लेना चल अभी दूसरी उंगली की बारी मैंने नेल पे बोला था पेंट कर पे नहीं बोला मैंने क्या बोला था मैं कहीं पर भी कुछ भी पेंट कर सकता हूँ अच्छा लग रहा है ना पिंक तेरा फेवरेट कलर है ना नहीं किसने बोला मैंने ब्लैक फेवरेट कलर है ब्लैक है मेरे ब्लैक अभी बाकी है रु देखो देखो आज की चैलेंज में मैंने सोचा था कि मैं प्रियु को हल्दी वाले मोमोज खिलाऊंगा बट मैंने सोचा चलो कुछ खिलाने से अच्छा कुछ अच्छा हम लोग करते हैं तो ये जो पीले कलर की नेल पेंट है उसको लगाना काफी जरूरी है गाइस उसका मैंने पी ड्रॉ कर दिया प्रियु का चलो खत्म अभी तीन उंगली काफी अच्छी है उसमें मैंने दो भी क्यों बाकी रखी तुझे पेंट करना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चलेगा चलेगा ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा लगा ये फ्लैग उल्टा है ऐसे दिखाते हैं हां मतलब भाई अच्छा लगा ना अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो सो चलो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।